नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं समीक्षा डेरान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। खासकर वो जो अभी मेरे हाल ही में सब्सक्राइबर्स बने हैं उनको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस समय मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट डालूँ, जो भी वीडियोज़ में डालूँ उसके अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज आप सभी को जानना होगा कि कहाँ हूँ मैं। तो पिछले महीने मैंने आप सभी से एक चीज़ शेयर की थी कि बहुत जल्द मैं ट्रिप करने वाली हूँ राजस्थान का। तो इस वक्त मैं माउंट आबू में, माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, तो इस वक्त मैं यहीं हूँ और बस स्टॉप पर हूँ। तो आज मैं आप सभी को ले चल रही हूँ उदयपुर, जो राजस्थान का एक बहुत ही, जयपुर के बाद एक बहुत बड़ा सिटी है। तो आज आप सभी को मैं वहाँ लेकर जा रही हूँ और इस वक्त मैं आबू स्टेशन के बस स्टॉप पर। तो हम यहाँ से लेंगे बस। वैसे तो वहाँ पर जाने के लिए आप बाई एयर, रेल और कैब बुक करके जा सकते हैं, पर मुझे बस बेस्ट लगा, तो इसलिए मैं यहाँ की लोकल चीज़ों को मतलब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बस को ज़्यादा बेटर समझ रही हूँ। तो अभी हम यात्रा करेंगे बस में। तो आप दिन भर इस तरह मेरे साथ बने रहिए और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जैसे ही हम बस से उतरे, ये पीछे बस है राजस्थान की, इससे उतरे हैं और ये अपने, ये थे हमारे चालक थे, ये इन्होंने बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया और अब ये हमारे नेक्स्ट गाइड भी है और ये हमें लेकर चलेंगे यहाँ पे उदयपुर का जो भी प्लेस है घूमने के। ये बता रहे कितने प्लेस बताए, ये देखो मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, ये उदयपुर के 12 पॉइंट है, ये बता रहे कि 12 पॉइंट है जो ये हमें लेके जाने वाले इस वक्त। गुलाब बाग है, वर्मा पार्क है, पिछोला लेक है जो 5 स्टार होटल है और सिटी पैलेस महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह का महल है और जगदीश टेम्पल जो पुराना महाराणा उदय सिंह के टाइम का बना हुआ है और अरावली वाटी का एक गार्डन है और ये प्रताप स्मारक और ये फतेह सागर लेक है, झीलों की नगरी कहते हैं, लेक सिटी। उदय सुबह के निकले थे 6:00 उठे थे और ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो इसलिए अभी हम इस वक्त पहले सोच रहे थे कि पहले ब्रेकफास्ट कर लें, आज का जो भी रहेगा दिन भर का घूमने का उसके बाद करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में ये सब्जी लाए थे, पैक करके लाए थे और थोड़ी सी ये रोटी है और ये दही है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, लगातार आप सभी से जुड़े हुए सुबह का दिखाया आपको किस तरह कैसे हम आबू रोड से पहुँचे उदयपुर। हम आए बस से और उसके बाद अब हम घूम रहे हैं उदयपुर। बहुत ही खूबसूरत सा सिटी है राजस्थान का, जयपुर के बाद उदयपुर लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान का। और यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड कितनी होगी भैया, यहाँ की पॉपुलेशन हाँ 15 से 20 लाख, 15 से 20 के बोल रहे हैं यहाँ की पॉपुलेशन होगी। और अभी
बीचों बीच उदयपुर जो सिटी है उसके बीचों बीच है, और हमने अपने ये घूमने के लिए हमने पसंद किया है ये ऑटो। फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, आप इतना मज़ा इस ऑटो रिक्शा में कर सकते हो ना, इस उदयपुर शहर का घूमने का, वो आप जितनी मर्जी आप महंगी गाड़ी ले आओ आपको वो मज़ा नहीं आएगा। और ये जो महीना है आपको पता है फरवरी, इस वक्त तो यहाँ उदयपुर का जो मौसम है इतना बेस्ट है ना, इतना बेस्ट है कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। और ये जो सीन है ना फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप। देखिए किस तरह से अच्छा लग रहा है ऐसे ऑटो रिक्शा में बैठ के, ऐसे लग रही है किसी मूवी की शूटिंग पे चले हैं हम। और ये देखो पीछे भी एक लेक है, और ये साथ में मेरे हमेशा के साथी बहन और फ्रेंड दोनों अमीशा, और ये मैं समीशा, और हम दोनों हमेशा दो साथी आज घूम रहे हैं ऑटो रिक्शा में। ऐसे लग रहा है जैसे फिल्मी दुनिया वाली फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं, ऑटो रिक्शा में इंजॉय कर रहे हैं। हाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो आज तो पूरा दिन इस ऑटो रिक्शा में बीतने वाला है। जो हमारे भैया है वो हमारे गाइड भी है और वो ऑटो रिक्शा भी चला रहे हैं, तो वो सब बताएंगे हमें, और हमें कोई इतना टेंशन नहीं है कहाँ है, तो ये लेकर जा रहे हैं हमें, तो अभी हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये है फतेह सागर लेक उदयपुर, और इस वक्त हम कर रहे हैं बोट राइडिंग। तो आप देख सकते हैं ये इतना सुंदर, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये नजारा है। और मेरे ठीक पीछे ये देखो आप, ये वायलिन बजाते हुए, लोकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर यहाँ पे ये और फंक्शन में भी बजाते हैं जी, शादी पार्टियों में, बर्थडे में, सारे में बजाते हैं। अच्छा आप तो बजाते हो ना शादी पार्टी, अच्छा बजाते हो। और यहाँ पे जो फतेह सागर लेक है, अगर आपने यहाँ पे बोटिंग करनी है तो ये है पीछे काउंटर, यहाँ से लीजिए टिकट, और आप एक है दो है फैमिली है यहाँ से टिकट लीजिए और बड़े मज़े कीजिए इस लेक के। आपको आधा घंटा पूरा इस लेक का, पूरे इस सुंदर से फतेह सागर लेक का पूरा आपको यहाँ से बिठा के ले जाएंगे। जब पीछे देख सकते हैं आप, और जैसे लोग बैठ के जा रहे हैं, और वो जो अंकल हैं वो बजाएंगे अपना यहाँ का जो ट्रेडिशनल कुछ सॉन्ग वगैरह, तो वो यहाँ से जाएगी और पूरा ये घूम कर ना फ्रेंड्स वापस नहीं आएंगे, और बहुत मज़ा आएगा। आप इसमें फ़ोटो खींच सकते हो और बहुत इंजॉय कर सकते हो।
ये देखिए अमीषा अमरूद प्रेमी, इनको बिल्कुल ताज़े ताज़े अमरूद मिले हैं यहाँ पे, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है कि अमरूद मिला और ये लेना। और ये देख सकते हैं ये पूरा जो अमरूद का है, पेड़ कौन सा है अमरूद का? सबसे अंदर है वो सामने। अच्छा अंदर वो सामने दिख रहा है, पूरी बड़ी है ये अंदर। यहाँ से ये देख रहे हो आप गेट, यहाँ से ठीक अंदर ये अमरूद का पूरा ही मतलब इनकी फार्मिंग है अमरूद की, ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर ये अमरूद का पूरा बगीचा है, तो इसलिए ताज़े ताज़े अमरूद यहाँ बाहर बिक रहे हैं। यहाँ बाहर से हम अमरूद लेंगे और इसका स्वाद लेंगे। खाली काट के दो, मुझे तो ऐसे ही दे दो आप, मैं तुम्हारे उसको रखूंगी। सब कटा है ये नीचे ऊपर से काट के चार पीस। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं अमरूद, और फिर जैसे ये काट के ले रहे हैं और ये मसाला वगैरह लगा के। मसाला नहीं डालने का है, मुझे एक में डालो। ये हमारी ऑटो जिसमें हम घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है इनका मन हो रहा है कि ये सारा खरीद के ले जाइए, ये सारा ले जाओ। ये क्या तरीका है, ये देखो ये सूंघ के जांच करेंगे कैसे अमरूद है। फ्रेंड्स ये है बहुत बड़ा सुंदर सा पार्क है, ये उदयपुर में ही है, बीच सिटी में, नाम है सहेलियों की पहाड़ी। और ये सहेलियों की पहाड़ी सुन के बड़ा यूनिक सा लगता है, बड़ा ऐसा राजस्थानी वो आता है कि कैसे है सहेलियों की पहाड़ी। तो वैसे यहाँ पे जो रानी थी वो रानियाँ अपनी सहेलियों के साथ नहाने आया करती थी यहाँ पे, इसलिए क्या पड़ा सहेलियों की पहाड़ी, पहाड़ी मतलब कुआं। और यहाँ पे अंदर जो रानी है उनके सहेलियाँ वो आती थी, और अंदर कुंड है और भी पुरानी काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर कैसे सहेलियों की बाड़ी। देखिए जो सहेलियों की बाड़ी है, जो पार्क है, इसमें ऐसे तो जा नहीं सकते हैं, फ्री में तो कहीं हम जा नहीं सकते, इसलिए टिकट है कोई अंदर दो कितना लगेगा? 20 रुपये एक के लिए, ठीक है 40 रुपये 20 रुपये पर पर्सन। 200 दे दीजिए हुकम, दो फॉरेनर हुकम जी, हुकम दो फॉरेनर है, एंड फॉरेनर्स के 100-200 रुपीस पर पर्सन है जी। इंडियंस आर गेटिंग मच बेनिफिट्स। ओके दोस्तों, आपने देखा हमने टिकट लिया 20 का पर पर्सन और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीस। सहेलियों की बाड़ी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, तो चलिए पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए। यह भव्य बगीचा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जो महाराणा संग्राम सिंह प्रथम थे और द्वितीय ने सन 1710 से 1734 के बीच राज परिवार की महिलाओं के लिए अमोद प्रमोद हेतु निर्मित करवाया था। अमोद प्रमोद मतलब कि मनोरंजन के लिए, इस वजह से इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। यह देश के सुंदर बगीचों में गिना जाता है, जिसे देखकर अंतपुर की जीवन शैली का अभाव स्वतः ही हो जाता है। पहले वस्तु पहर सागर के नीचे कई छोटे छोटे बगीचे थे, जिसे महाराणा फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी में मिलाकर इसे एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। चारों तरफ हरी भरी धूप, मनमोहक फूलों की कतारों और आकर्षक फवारों पर स्वतः ही दृष्टि ठहर जाती है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो महाराणा संग्राम सिंह थे उन्होंने बनाया, पहले ये अलग अलग था, उनको जब ये कंबाइंड हुए तो नाम पड़ा ये इसकी क्या था ये सहेलियों की बाड़ी पड़ा, और फिर ये काफ़ी सुंदर है। और इसका जो ये मतलब देश की जो गिने चुने सुंदर बगीचों में इसका भी जिक्र होता है। चारों तरफ, और आप देख सकते हैं इस टाइम कैसे यहाँ पे टूरिस्ट से मतलब भरा पड़ा है उदयपुर। और वैसे राजस्थान है ही पूरा घूमने लायक, देखने लायक, और आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और फॉरेन से भी इतने सारे लोग आए हैं और इंडियन भी है। तो आप देखिए कितना सुंदर ये पार्क है, राजे रजवाड़ों वाली फीलिंग, एकदम शान और शौकत वाली। Thank you.
यही वो जगह है जहाँ पे रानी अपनी सहेलियों के साथ आती थी, तभी ये पार्क बनाया था, जैसे कि मैंने बाहर आपको बताया कि मनोरंजन के लिए बनाया था, तो यहाँ पे यही इस कुंड में आकर के वो स्नान करती थी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है, बिन बादल बरसात, तो बिन बादल बरसात मतलब ये सब नेचुरल, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ के जो रानियाँ थे वो इस तरह रहा करते थे। ये पेंटिंग के माध्यम से, उस टाइम फ़ोटो तो लिया नहीं जाता था, पेंटिंग के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई गई है। ये देखिए रानी जब अपने महल से निकलती है, तो आप लोगों ने पद्मावती जो मूवी देखी होगी उसमें भी देखा होगा किस तरह रानी पद्मावती भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलते थे इस तरह। राजस्थान का जो ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं कल्चर के पेंटिंग से प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे हिंदू जो धर्म है उसके जो बहुत सारे जैसे लक्ष्मी गणेश हो गए उनकी काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे बना है। उसके अलावा मुझे यहाँ इस चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ पे अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए उसको ना पेंटिंग में बना करके यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, अंदर यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो आप लवण्य आर्ट म्यूजियम में ज़रूर आए अगर आपको अगर देखना है कि किस तरह अपने आर्ट को ये मतलब प्रमोट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये है ओल्ड उदयपुर, अभी हम ओल्ड उदयपुर में हैं। यहाँ भी काफ़ी मार्केट्स है राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड, राजस्थानी जो ड्रेस है, पर्स है, ये देखो आप, अगर आपको राजस्थानी अगर कुछ लेना है, यूनिक कुछ लेना चाहते हैं, इस मार्केट में देखिए झुमके लगे हैं, ये बैग लगे हैं लेदर के, और ये देख सकते हो आप, ये मंदिर है जगदीश मंदिर, ये साथ में जगदीश मंदिर आ गया है, ये जगदीश मंदिर है, ये वाला ये जगदीश मंदिर है, ये वाला जगदीश टेम्पल, और ये मंदिर के दर्शन करके सामने सिटी पैलेस है, चले जाना आप पैलेस का टिकट लेके अंदर। फ्रेंड्स ये टेम्पल है बीच उदयपुर सिटी में है, आप देख सकते हैं जय जगदीश हरे मंदिर है, ये काफ़ी फेमस है ये टेम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे देखिए, और साथ ही ये है ओल्ड उदयपुर, तो यहाँ पे साथ में काफ़ी सारा मार्केट लगता है ओल्ड उदयपुर रहने के कारण। यहाँ पे देखिए काफ़ी पैलेस है, होटल्स है, और ये काफ़ी पुराना सामान है, और यहाँ फिर काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं उदयपुर में, और उदयपुर जाना भी अपनी बहुत सारी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। झीलों का ये शहर बहुत खूबसूरत है, अभी तक हमारा ये चौथा प्लेस है जहाँ हम जा रहे हैं, अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। तो अंदर जाने के लिए शायद यहाँ पे हमें शूज़ खोलने होंगे, मैं अपने जूते इधर खोल देती हूँ।
ये जो कलाकृति है ये बहुत ही अच्छी है, पत्थर से बनाई है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, इन्होंने मुझे जैसे ही देखा इन्होंने सीटी बजाई और कहा कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। ये जो सीढ़ियाँ दिख रहे हैं आपको ये ऐसे लग रहे हैं कि टाइल के हैं, पर ये टाइल की नहीं है, ये पत्थर के है। पत्थर में नक्काशियां बनाई हुई है पूरी की पूरी। देखिए ऊपर टॉप में कितना ऊपर है। यहाँ पे सब सेल्फी लेने में बिजी है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बालकोनी सा बना है। ये हम इस टाइम ओल्ड उदयपुर में हैं। बहुत अच्छी कलेक्शन आप बना सकते हैं अपने अपने पूरे साल के लिए जूतों का कलेक्शन ले जा सकते हैं। पायल ये वाला अच्छा है ना, पायल ये भी अच्छा लग रहा है।
ये डाल दो ना, बहुत प्रीटी लगता है ये। 200 की दे रहा है। चलो ट्रेडिशनल बॉर्डर लगा सकते किसी भी चीज के ऊपर, सूटों के ऊपर के फिर। ये वाले देखो ना, ये क्या, ये डायरी पहले बचपन में वो देखते थे ना, जादुई किताब मिल जाता है किसी को अचानक से, वो खोले तो रहस्य होते हैं। दिखाओ अपनी जादुई बुक। ये वही जादुई किताब है। जगदीश टेंपल के बाद आए हैं। जगदीश टेंपल के साथ में जो रोड है ओल्ड उदयपुर में, ये रोड है, ये सिटी पैलेस रोड है। और ठीक मेरे पीछे ये गेट है, यहाँ से सिटी पैलेस स्टार्ट होता है। और पैलेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। इवन आपको पूरा 2 घंटा इसके अंदर लग सकता है। अगर आप एक बार यहाँ से अंदर चले गए तो पूरा 2 घंटा आप अंदर जा सकते हो। और आपको टिकट यहाँ भी अंदर अगर आपने जाना है तो आपको टिकट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ राजस्थान की एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कंपलसरी, जहाँ भी आपने घूमने जाना है, जैसे पूरे राजस्थान में खासकर उदयपुर में, तो हर जगह यहाँ पे टिकट लगता है। तो चलिए अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं और घूमते हैं। 2 घंटा पूरा है हमारे पास, आराम से घूम सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा यहाँ पे टाइम ले, क्योंकि सुबह से जल्दी जल्दी में ही चीज़ें हो रही है। तो चलिए सिर्फ बाहर से घूमने के लिए। और ये काउंटर है, यहाँ पे आपको बच्चों को निःशुल्क है, जो टीचर्स और स्टूडेंट का जो ग्रुप आता है उनके लिए भी फ्री है, और जो विकलांग है उनके लिए भी फ्री है, और जो सैनिक है उनके लिए भी फ्री है। बाकी शुल्क है 300 रुपये, बच्चों के लिए 100 रुपये, तो ऐसे शुल्क है। तो अभी हम यहाँ से अपना हाँ इसीलिए तो मैं तो ही बोला, लेकिन मेरे पास ये डिफेंस की भी आईडी होगी। आपने कार्ड भी दिया? नहीं खुले नहीं है। उनके साथ ही है लेकिन वही वर्ती, अगर आप कर सकते हो तो वो किए नहीं तो राइट।
बोल रहे हैं कि पिछला लेकिन अपने टिकट लेके दोनों के पहुंच गए हम सिटी पैलेस के अंदर। ये मेरे पीछे है सिटी पैलेस का मेन गेट और इसके बाद ये है इसका बैक साइड और ये है अमीषा। ये हम दोनों की टिकट्स है और यहाँ जो ठीक पीछे ये देखिए ये चेक करेंगे आपकी टिकट। अगर आपके पास टिकट है आप तब जा सकते हो अंदर, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको वापस भेजेंगे और आप टिकट करके फिर अंदर आ जाओगे। ये देखिए चलिए बैक कैमरे से अच्छा बनेगा। इन दरवाजों को देखे तो ऐसा लग रहा है कि बाहुबली मूवी का वो चला है, राजा महाराजा की शान और शौकत। इसको देख के वो हम साथ साथ है मूवी में वो गाना नहीं आता है, वो गाना जो है मारे ही बड़ा मेमोरी बैठे भी है। हाँ इसमें बैठे भी है कोई किसमें राजा महाराजा कैसे रहते होंगे अपने अपने उस प्रजा के साथ बड़े शान और शौकत से। इसके तो फाटक भी इतने मोटे मोटे हैं। राजस्थान इसी चीज के लिए तो जाना जाता है, अपने राज घराने रॉयल फैमिलीज। अरे वो मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि मतलब जो भी राजकुमारी होती है वो ऐसी खिड़की से देखती है, वैसी खिड़कियां है ना यहाँ पे। यहाँ पे इसमें तो ये इतना पुराना महल है, इसमें तो बहुत राजे महाराजे रहे होंगे जमाने में। ये बना किस चीज का है, सीमेंट पत्थर? अरे वो देखो ना ऊपर वाला से ये वाला शाइन मार रहा है, ऐसे रहते होंगे राजे महाराजे। वाओ इंटरेस्टिंग है, ऊपर देखो पक्षी। दरबार में अपने यार डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा अच्छा है, राजे महाराजों से तो मुझे राजा अपने प्रजा के साथ अत्याचार करता था। अपने अगर सोचो जो प्रजा होते होंगे उनको कितना, सभी राजा अत्याचार नहीं करते अपनी प्रजा के साथ? नहीं डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छा है। आ चुके हम सिटी पैलेस के ठीक अंदर और अब देखिए उदयपुर की शान, सिटी पैलेस की शान पिचोला लेक। ये उदयपुर की बहुत ही वन मोस्ट टूरिज्म प्लेस है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी है और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। और इसमें पूरा आप बोट राइडिंग दिख रहा होगा दूर दूर तक, बोट राइडिंग कर सकते हो आप, बहुत ही सुंदर ये पूरा एरिया। और बोट राइडिंग के साथ साथ आप इस पूरे इस
इस पूरे झील का ना साइकिल पे भी पूरा झील आप एक्सप्लोर कर सकते हो और मॉर्निंग टाइम में वॉक करके मॉर्निंग पूरा ये झील के आसपास आप घूम सकते हो। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर है वाकई में राजस्थान। तभी तो आज पूरी दुनिया के लोग यहाँ राजस्थान को बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, घूमते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मन हो रहा है जाके फिर से वोटिंग करें। वोटिंग कर चुके हैं फतेहपुर उसमें, तो अभी चोला है ठीक कीजिए। काफ़ी सुंदर पैलेस है ये, काफ़ी बड़ा पैलेस है। पहले हम फ्रंट दरवाजे से अंदर आए थे, ये बैक का दरवाज़ा है। ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे राजे महाराजों के रहने के लिए पैलेस बने हुए हैं, तभी इसका नाम ही सिटी पैलेस है। साथ में पिचोला लेक, ये देखिए दोस्तों किस तरह पूरे यहाँ पे भरे पड़े हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इस वक्त, और ये यहाँ घूमने के लिए भी सही वक्त है। ये इस झील के बीचों बीच जल महल है, सिटी पैलेस का ही एरिया है ये। साइड में मोबाइल में ध्यान रहेगा, गिर जाओगे नहीं 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 गिर गया मैं निकाला तो लगा आगे पूरा सिटी प्लेस घूम के पिचोला लेक घूम करके अब मैं ठीक बाहर आई हूँ और यहाँ आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मेरे ठीक पीछे क्या है, ये तोप देखा था ना पूरे पहले टाइम में, यूथ इसी से लग जाते थे ऐसी तोपों से। यहाँ पे अभी इसको सेपरेट करके यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हम टच भी नहीं कर सकते इसको। बस मैं आप सभी को दिखा सकती हूँ कि ये तोप है, इससे ज़माने में राजे महाराजों ने बड़े युद्ध लड़े हैं। यहाँ तो आप लोग देख सकते हो हर दो मिनट पाँच मिनट में ये तो पूरा खचाखच भरा होता है फ्रेंड्स। ये इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने लोग, और वो ऐसा नहीं है कि इंडिया से है या फॉरन है या इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, मतलब पोलैंड, बहुत सारे जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए। और बहुत अच्छा भी है फ्रेंड्स, राजे रजवाड़ों की जितना भी इतिहास रहा उसको सेव करके रखा है इस सिटी पैलेस के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो ये है कि ऐसे झील बना दिया जिसके अंदर इतना पानी है चारों तरफ, और वो पानी का कोई सोर्स है नहीं, वो बारिश जब होती है उसी का पानी है और सालों से वो ऐसे ही इकट्ठा है और वो पानी कम भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत सा शहर है उदयपुर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत मज़े आए, बीच में थक गई हूँ काफ़ी घूमे, तो
पर मज़े बहुत आए और मुझे ऐसा लगा कि इस शहर के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ मेरा कोई पुराना नाता हो। जब मैं अभी यहाँ पे सिटी पैलेस के अंदर भी थी तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार आ रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा, ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ रह चुकी हूँ या फिर मतलब मेरा कोई नाता है। पता नहीं क्यों, जब से सुबह से आई हूँ शाम होने जा रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इसके साथ कोई पुराना नाता है। हाँ, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको ऐसे कैब वैसे बुक करना चाहे कर सकते हैं। बाकी आप ऑटो रिक्शा में घूम सकते हैं बहुत आराम से, आपको रिक्शा मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, बैग्स ले सकते हो, झुमके ले सकते हो, अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हो, आप यहाँ के यूनिक जो ड्रेस है, बैग्स है, वो ले सकते हो। जैसे मेरे ठीक पीछे देखिए मार्केट सजा हुआ है, ठीक मेरे यहाँ को देखिए, यहाँ को भी मार्केट है। तो ये ओल्ड उदयपुर है और बहुत अच्छा है, आप ज़रूर आए कभी उदयपुर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या लगे, दिखाओ, पुरानी पुरानी चीज़ें लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत कुछ पुरानी चीज़ है। बनना नहीं। अब हम पहुँचे हैं फ्रेंड्स, अब हम पहुँचे हैं गुलाब बाग। ये गुलाब बाग है और अब हम जाएंगे अंदर। ये भी गार्डन है, तो यहाँ पे गार्डन बहुत ज़्यादा है और लेक और गार्डन ही कुछ यहाँ पे ज़्यादा है, वही यहाँ की खासियत है। तो चलिए अंदर। होटल्स देखो सामने, होटल्स बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो हज़ार से भी ज़्यादा होटल्स है रुकने के लिए, होम स्टे, होटल्स, रेस्टोरेंट। तो रुकने की कोई चिंता नहीं, मैं तो बोलती हूँ आप लोग ऐसा आए, अगर कभी उदयपुर आए तो एक दो दिन लगा कर मतलब कि यहाँ पे स्टे करें और आराम से घूमें। ऐसे जल्दबाजी में तो सुबह आए शाम को चले गए तो आप उतने अच्छे से घूम नहीं पाओगे। अगर आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे घूमना है तो आप एक दिन स्टे करके फिर एक दिन आराम से घूम सकते हैं। नगर निगम में आता है ना उदयपुर निगम, ये तो ऐसा लग रहा है किसी नेशनल में आ गए। अमृत वितिका, इसमें होता है अमृत, मेरा फेवरेट है अमृत। देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी कितने लोग हैं। मौसम अभी से गर्म हो चला है, यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम है वो है मार्च से सितंबर। लेकिन अगर आप जनवरी में आते हो, दिसंबर में आते हो भी ठीक है, जैसे अभी फरवरी है तो टेम्परेचर। पार्क है काफ़ी बड़ा यहाँ, देखिए ड्रेस पहन करके फोटो ले सकते हैं, राजस्थान की ड्रेस। ऐसे फोटो आएंगे नहीं भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे खरीद लो। अंदर काफी जंगल सी फीलिंग आ रही है, पार्क सब नए पूरा का पूरा।
बोलो नेशनल पार्क क्लब है। चाहे चाह रहे ना पक्षियों की सुबह के टाइम गुलाब गार्डन की सैर करते हुए बहुत शांति में गार्डन में। यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ सही लगे वहाँ पे चलो, पर यहाँ पे चलो। अंदर काफी ना पेड़ पौधे हैं, तो ज्यादा वेगी है। फ्रेंड्स, उदयपुर जो है अपनी खूबसूरती के लिए जाना भी जाता है। उदयपुर की जो स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह ने, तभी उनके नाम से ही ये शहर उदयपुर पड़ा। मेवाड़ जो रियासत है उसका ये ये मुख्य शहर रहा, मेवाड़ का ये मुख्यालय रहा एक हिसाब से उदयपुर। तो उदय सिंह ने इसकी स्थापना की, इसलिए इसका नाम फिर उदयपुर इसका नाम ऐसे पड़ा है। और झीलों का शहर का इसको टाइटल भी है, और जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे झील है यहाँ पे, तो क्वेश्चन भी आता है कई बार कि हाँ ज़्यादा झील भारत में कहाँ है, तो वो क्वेश्चन का आंसर है कि उदयपुर में। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए है ज़्यादा सिटी पैलेस। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लोग यहाँ आइए, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप सिटी पैलेस ज़रूर जाइए, और टिकट 30 का नहीं करिए, 300 का टिकट करिए और अच्छे से आप घूमिए। क्योंकि अगर आप 30 का टिकट करके जा रहे हो तो आपको सिर्फ 2-3 जगह बाहर ही आप घूम पाओगे। वो एक्चुअल में वहाँ पे बहुत सुंदर चीज़ें, राजे महाराजा ने किस तरह उसको संजोए रखा, किस तरह की हिस्ट्री है, म्यूज़ियम है, और आप कार्स का कलेक्शन देख सकते हैं काफ़ी पहले के, जैसे राजे महाराजे जिस तरह के कार इस्तेमाल करते थे, और अभी तक का जो उनके कारों का कलेक्शन है, म्यूज़ियम है, वो देख सकते हैं। तो 300 का टिकट पर एक इंसान के लिए है, तो आप उसको विज़िट कीजिए सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको सेकंड कहूँगी पिचोला लेक, बहुत ही सुंदर लेक है, और उसके बीच में जो जल महल है उसमें आप ज़रूर जाइए और बोट राइडिंग ज़रूर कीजिए। क्योंकि यहाँ आप आए हैं और बोट राइडिंग नहीं करेंगे तो आप उस झीलों को दूर से देख सकते हो लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते जब तक आप उस बोट राइडिंग आप करोगे नहीं। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, जो पिचोला लेक है उसके पूरे लेक के आसपास हॉर्स राइडिंग होती है, वो भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ पे टेंपल है जहाँ हम गए थे, तो वो भी काफ़ी ऐतिहासिक टेंपल लगा मुझे, काफ़ी पुरानी तरह से वहाँ पे यहाँ के संस्कृति के हिसाब से वहाँ पे शैलियाँ बनी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप सभी अगर आएंगे तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आए। और बाकी अगर आप ये सवाल आपका होगा एक्चुअली कई लोगों का होता है कि ये जो झील है इसका पानी का सोर्स क्या है, तो एक्चुअल में वो जो झील है, जितने भी झील बने हैं इसमें, उसके पानी का कोई ऐसा सोर्स नहीं है। वो बारिश के पानी को इकट्ठा करके, मतलब आर्टिफिशियल एक हिसाब से तैयार किया है, ये आज का तैयार किया हुआ नहीं है। जब महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी उस टाइम से ही इस शहर को इस तरह विकसित किया कि आने वाले टाइम में इस तरह, और धीरे धीरे करके फिर ये शहर आज टूरिज़्म भारत का बहुत ही फेमस टूरिज़्म प्लेसेस में से एक है, और राजस्थान जयपुर के बाद ये सेकंड बहुत ही अच्छा और सुंदर टूरिज्म प्लेस है। तो आप सभी ज़रूर आए, और जिनके साथ हम आए हैं, जो आज हमारे गाइड है, जिनके ऑटो में हम आए हैं, उनका नंबर तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है इस तरह की मैं आगे और वीडियोज़ बनाऊँ, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी बना सकती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर चुन के जैसे वीडियो
वीडियोस बनाऊँ, जैसे आपको ड्रेस का कलेक्शन लेना है या शूज़ का कलेक्शन लेना है, कुछ भी मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी, परंतु उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, बताना होगा कि आप क्या चाहते हो। ऐसे तो मैं घूमती तो हमेशा ही रहती हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को लगता होगा ये जल्दबाजी में दिखा देते हैं, ये है ये है ये है, तो तसल्ली से भी वीडियो बनेगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं ज़रूर किसी दिन ऐसे वीडियो भी बनाऊँगी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर जो आप कहें। मेरे साथ टाइम बिताया है आबू रोड से उदयपुर तक, फिर उदयपुर का आज जो भी टूर किया हमने, साइड प्लेस हम जा नहीं पाए, ये जो मेन सिटी हमने कवर किया है क्योंकि हमें वापस से जाना है। भैया मोहम्मद रफी भैया का नाम है, इन्होंने आज हमें पूरा साइट सीन दिखाया है, घुमाया है, और इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग भी कोई आते तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इनको बहुत सारा नॉलेज है, मैं इतना सच बता रही हूँ आपको, इतना अच्छा यहाँ का जो टूर है कोई नहीं करा सकता, जो भैया करा सकते हैं, इतने सारे सारे अमरूद खिलाए और बहुत कुछ बताया, ऐसे कोई नहीं बताता है, और आज के टाइम पर सब बहुत बिजी होते हैं, बिजी लाइफ होती है, तो थोड़ा भैया से बातचीत करते हैं। कम से कम 15 साल हो गए मुझे, हर दिन नए लोग मिलते हैं, हर दिन नए टूरिस्ट मिलते हैं, कुछ नया लगता, अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे तो लेक सिटी और लेक सिटी के अंदर क्या है कि तरह तरह के बाहर के लोग आते हैं। और खाने के लिए जो आप कौन सा सबसे अच्छा है जहाँ पे, जैसे राजस्थानी अगर खाली खाना हो तो नटराज होटल हमारा यहाँ का उदयपुर का फेमस है, और वैसे अगर डिश में देखा जाए राजस्थानी सबसे बढ़िया दाल बाटी चूरमा, और जो खाए वो सूरमा। और भैया यहाँ पे सब चीज है, यहाँ पर पेसिटी के यूनिवर्सिटी है सारी चीजें, जैसे जब हम आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा बहुत सारे, ग्राम पंचायत की चीजें गाँव है आसपास, गाँव बहुत अच्छी जगह है, और फ्रेंड सिस्टम हम कहाँ खड़े ये भी बता दूँ, मैं उदयपुर के बस स्टैंड पे खड़े हैं, और सीधे अब हम टिकट लेंगे आबू रोड के लिए और चल पड़ेंगे। ये उदयपुर का बस स्टैंड है और ये हमारी बस है, हम इसमें वापस जाएंगे आबू रोड, ये देख सकते हैं ये उदयपुर आबू रोड, अभी हम इस बस में जाएंगे आबू रोड और हम पहुंचेंगे 8 बजे पहुंच जाएंगे आबू रोड। ये बस स्टैंड है, यहाँ पे टिकट बुक होती है, यहाँ पे ये उदयपुर का बस स्टॉप है, यहाँ पे सामने टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेकर के आप बस में फिर आप कहीं भी जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हो। रेलवे स्टेशन भी यहीं नियर बाई है और एयरपोर्ट भी यहाँ नियर बाई है, तो आप लोग आइए और इन्जॉय कीजिए